मॉडल टाउन गुरुद्वारे में डिस्पेंसरी का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ गुरुद्वारे की ग्रंथी अरदास करके की। डिस्पेंसरी के एमडी जेपी सिटी ने बताया, डिस्पेंसरी सुबह 8:30 से 10:30 तक खुलेगी, जिसमें मरीज की फीस 10 रुपए शुल्क के साथ शुरू होगी। वहीं जानकारी देते हुए गुरुद्वारे के प्रधान मलिक सिंह कलोनी ने बताया, कोरोना काल के बाद डिस्पेंसरी का आज शुभारंभ हुआ है, जिससे हर जाति के मरीजों को बढ़िया इलाज मिल सकेगा। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। आज बहुत समय से जो डिस्पेंसरी कोरोना काल में बंद हो गई थी, उसकी आरंभता हमारे गुरु घर के वजीर ज्ञानी सुखवंत सिंह जी ने अरदास करके इसको आरंभ किया है, क्योंकि अरदास ही हमारा ओटासरा है, यही उद्घाटन है, यही सब कुछ है। और इसको डॉक्टर जेपी सेठी जी पूरी तरीके से संचालित करेंगे, उनकी देखरेख के अंदर सब काम होंगे। कर्नल बिंद्रा साहब, राजेंद्र सिंह बख्शी जी, राजेंद्र सिंह हैप्पी और बलविंदर सिंह और राणा प्रताप सिंह, ये सब इसकी पूरी केयर टेकिंग में इनको सहयोग करेंगे। और इनके सहयोग से ये जो डिस्पेंसरी बहुत समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, इसमें मात्र 10 रुपए के पर्चे पर पेशेंट को एक दिन की 20 रुपए की दवाई दी जाएगी। और उसके अलावा बिल्कुल एट पार पर बहुत सारे ब्लड के, यूरिन के बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे। जो टेस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं भी होंगे, डॉक्टर जेपीएस सेठी अपने आप में एमडी हैं, वो हमें पूरा सहयोग करेंगे। इलाके के सभी डॉक्टरों ने और सिख डॉक्टरों ने, सभी ने हमको पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। और हम ऐसी आशा करते हैं इसमें सभी धर्म के, सभी जातियों के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा, ऐसी हम प्रयास है, ऐसा ही हमारा प्रयास है और ऐसी ही हमारी कोशिश में हमें उम्मीद है। क्या रहेगा सुबह का, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक गर्मियों में रहेगा और सर्दियों में 8:30 से 10:30 तक रहेगा। और डॉक्टरों का भी हम प्रबंध कर रहे हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और उसके अलावा समय समय पे कैंप लगेंगे ओपीडी के लिए। एमडी एमबीबीएस डॉक्टर भी हम यहाँ पे बुलाते रहेंगे। 10 रुपए का पर्चा। गरीब मध्यम परिवार के जो मरीज लोग होंगे या बच्चे लोग, उनकी क्या आग्रह? ऐसा कोई भी बंदा होगा जो दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको डॉक्टर जेपीएस सेठी जी और गुरुद्वारे के प्रबंधकों की रिकमेंडेशन पर उनको फ्री ऑफ कास्ट किया। मैं डॉक्टर जेपी सेठी, एमबीबीएस एमडी हूँ पैथोलॉजी में। दशमेश डिस्पेंसरी जो भी गुरुद्वारे गुरुगुरु सभा में आज इसकी ओपनिंग हुई है, ओपनिंग हमारे सीनियर ग्रंथी सर ने अरदास करके इसको ओपनिंग करी है और यहाँ के सारे सेवादारों का सहयोग रहा है इसमें। ये डिस्पेंसरी के लिए हम डॉक्टर संदीप अग्रवाल को बैठाया, जो कि एज ए फिजिशियन यहाँ पे काम करेंगे, वो सब पेशेंट्स को देखेंगे और उनको बहुत ही चैरिटेबल रेट पे आगे एडवाइस करेंगे। उसके अलावा पैथोलॉजी का काम रखा है, जिसमें 60 से 70 टेस्ट यहाँ पर हम बहुत ही नॉमिनल रेट पे करने वाले हैं, जिसमें हमने 2-4 मशीनें भी लगाई हैं यहाँ पे, ताकि वहाँ पे संगत को और आम पब्लिक को फायदा हो सके। उसके अलावा फिजियोथेरेपी यूनिट है यहाँ पर, फिजियोथेरेपी यूनिट भी हम लोगों ने लगाया है, जिनके डायलिसिस के पेशेंट होते हैं या कोई दर्द के पेशेंट है, सर्वाइकल के है, वो आके अपने बहुत ही नॉमिनल रेट पे गुरुद्वारे डिस्पेंसरी का फायदा उठा सके। उसके अलावा जो यहाँ पे फर्स्ट एड हो सकता है, जो एक्सीडेंट के जो फर्स्ट एड होते हैं बेसिकली, वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, दवा पट्टी दारू जो भी होता है वो करके उसमें हम लोग यहाँ पर सहयोग करेंगे। इलाज इसमें जनरल फिजिशियन वाला था, जनरल मरीज जो होते हैं उन्हीं का इलाज होता है चैरिटेबल डिस्पेंसरी में। गरीब माध्यम का सबका आएगा और जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सके उनका भी गुरुद्वारा सहयोग करेगा।